आज हम देखेंगे कि भारत में मुस्लिम लीग का जन्म कैसे हुआ। वक्त एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है। भारत पर विदेशी तुर्क और मंगोल हमलावरों का राज 1707 में औरंगजेब के साथ खत्म हो गया। हिंदू राज्य उभरने लगे, फिर उसके बाद पहले मराठा और फिर नेपाल का गोरखा साम्राज्य और पंजाब का सिख साम्राज्य, ये तीन गैर मुसलमान साम्राज्य बने। सन 1803 तक लगभग 70 साल के लिए भारत में सतलज के दक्षिण में मराठों का दबदबा रहा। इसके तीन परिणाम हुए, मुगल सत्ता का अंत और एक एकीकृत मुगल सत्ता की जगह छोटे छोटे नवाबों की रियासतें। दूसरा, नए हिंदू रजवाड़ों का जन्म। और तीसरा, भारत के बहुत बड़े हिस्से पर अंग्रेजों का कब्जा। तो भारत में जो मुस्लिम सत्ताधारी छुटपुट नवाब वगैरह उम्मीद लगाए बैठे थे कि गैर मुस्लिम साम्राज्यों के खात्मे के बाद सत्ता फिर से मुगलों के हाथ में आ जाएगी, वो 1857 की क्रांति के बाद पूरी तरह से खत्म हो गई और अंग्रेजों का भारत पर हर लिहाज से कब्जा हो गया। मजहब के नाम पर सियासत चलाने वालों के लिए ये एक ऐसा झटका था जिसे वो आज तक नहीं पचा पा रहे हैं। सोचकर हंसी आ जाएगी कि वो आज भी हमेशा मुगलिस्तान बनाने का ख्वाब देखते हैं। राज करने का नशा खत्म ही नहीं हो रहा है, जबकि राज खत्म हुए 300 साल बीत गए। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। ब्रिटिश साम्राज्य के भारत पर अधिकार के दो प्रकार थे, ब्रिटिश इंडिया यानी वो हिस्सा जो सीधा सीधा ब्रिटिश हुकूमत के नीचे आता था, दूसरा भारत के रजवाड़े प्रिंसली स्टेट्स जो ब्रिटिश हुकूमत के शिकंजे में रहते थे। राज भले ही अंग्रेजों का था, लेकिन अब भारत की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आया कि जनता भी राजनीति में भागीदारी लेने लगी, किसी न किसी तरह से राजनीति का हिस्सा बनने लगी, भागीदार बनने लगी। इस समय कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी जिसके जरिए जनता राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनती थी, लेकिन चूंकि भारत एक हिंदू बहुल देश था, हिंदू बहुसंख्यक थे, गिनती में ज्यादा थे, तो तादाद और अनुपात के हिसाब से, गिनती और प्रपोर्शन के हिसाब से हिंदुओं की भागीदारी बहुत ज्यादा थी। और इस किस्म की नई राजनीति में रूल ऑफ मेजॉरिटी, मतलब जो संख्या में ज्यादा होगा उसका राज होगा, ये चलता था। तो इस तर्क से राज हिंदुओं का ही होना था। हालांकि ये हिंदू पढ़े लिखे थे, काफी परिपक्व हो चुके थे और मजहब की राजनीति के बचपने से दूर रहते थे, इसीलिए सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष थे। लेकिन मुस्लिम चश्मे से अगर देखा जाए तो ये देखा कि हिंदुओं का भारत पर फिर से कब्जा हो जाएगा और मुगल साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा, जबकि मुगल साम्राज्य को नेस्तो नाबूद हुए लगभग 150 साल बीत चुके थे। जिनकी हुकूमत चली गई थी लेकिन हुक्म देने की आदत नहीं, वो अभी भी मुगलिस्तान को बनाने का ही सपना लेकर जी रहे थे। लेकिन आज की स्थिति में, मतलब 1900 के लगभग, अगर फिर से कोई मुगलिस्तान चाहिए था तो उसका रास्ता भी राजनीति से होता हुआ ही जाता था, और वो भी जनता की राजनीति के सहारे। इनके भी दो प्रकार थे, एक वो जो उस वक्त सत्ताधारी थे, मतलब कहीं कहीं के नवाब रजवाड़े वगैरह, और दूसरे वो जो ब्रिटिश इंडिया से अंग्रेजों को भगाकर सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। एक जमाने में युद्ध करके राजनीति में घुसा जा सकता था, तब तलवार की नोक पर राजनीति हुआ करती थी और सत्ता हथियाई जा सकती थी। 1900 आते आते ये साबित हो गया कि अगर सत्ता चाहिए तो हथियारों से दूरी बनाए रखनी होगी और दो ही हथियारों से काम लेना पड़ेगा, जबान और दिमाग। इस तरह से राजनीतिक पार्टियों का जन्म हुआ और आधुनिक भारत की राजनीति का भी, पूर्वी एशिया में पंथ और राजनीति का, रिलीजन और पॉलिटिक्स का मेल नहीं किया जाता था, लेकिन मुस्लिम समाज का अभी तक ही अभिन्न अंग बन चुका था मुगलों के बदौलत। तो ये जो संस्थाएं बची हुई थी, ये मुगल साम्राज्य के भग्नावशेष थे, बचे खुचे टुकड़े। तो मुगल साम्राज्य भी आज इन्हीं बचे खुचे टुकड़ों के तौर पर रह गया था। मुगल तो चले गए थे लेकिन उनकी मजहब की सियासत अभी भी बाकी थी, ब्रिटिश इंडिया में संस्थाओं के नाम पे और नवाबों के इलाके में पूरी तरह से। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये सब कैसे बना और इसका ढांचा कैसा था। तो अब ब्रिटिश इंडिया वो जगह थी जहां लोगों को राजनीति के लिए भड़काना था, मुस्लिम समाज के लिए किए जाने वाले सारे अच्छे प्रयासों को राजनीति की ओर मोड़ दिया जाता था। ऐसा ही एक प्रयास था
सर सैयद अहमद खान का भारत की मुस्लिम जनता में फैली निरक्षरता, अज्ञान, अशिक्षा और पिछड़ेपन को मिटाने का। उन्होंने अलीगढ़ में एक कॉलेज खोला, इसे मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहा जाता था, जो आज अलीगढ़ विश्वविद्यालय कहलाता है। इससे मुस्लिम जनता में आधुनिक शिक्षा, खास करके विज्ञान की ओर रुझान बढ़ा। इसके अलावा सर सैयद ने ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई, जो भारत के मुसलमानों की समस्या पर चर्चा करती थी। इसमें सबसे ऊपर थी मुस्लिम समाज में अशिक्षा की समस्या। सर सैयद और उनके साथियों के इन सभी प्रयासों को दो शब्दों में कहा जा सकता है, अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ मूवमेंट। तो ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के वार्षिक अधिवेशन भी हुआ करते थे, जैसा कि सारी संस्थाओं के होते हैं। लेकिन सन 1898 में सर सैयद अहमद खान की मृत्यु हो गई और फिर 10 साल के भीतर ही उनके प्रयासों को राजनीति की ओर मोड़ दिया गया। अब मुस्लिम समाज में शिक्षा जीवन मूल्यों का एक अंग न होकर राजनीति का हथियार बन गई थी। इसका एक खतरा और भी था, उसको ऐसे समझिए, एक अशिक्षित अनपढ़ आदमी को जब तकलीफ होती है तो वो शोर मचा सकता है, लेकिन जब ऐसे कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मिलकर कदम उठाते हैं तो वो बगावत बन जाती है। लेकिन जैसे ही उसके साथ बुद्धिजीवी और उनके विचार जुड़ जाते हैं तो एक विचार का फलसफा बन जाता है, एक दिशा और दर्शन बन जाता है, एक फिलॉसफी बन जाती है, जिसका कोई तर्क, कोई आधार होता है, जिसे कागज, कलम और दवात से समझाया जा सकता है। अब बगावत से निकलकर ये एक फिलॉसफी बन गई, एक तर्क बन गया, एक लॉजिक बन गया। जब ये लोगों के बीच में आम हो जाता है तो आंदोलन कहलाता है, और जब ये रफ्तार पकड़ लेता है तो बन जाती है क्रांति, जिसमें बड़े बड़े परिवर्तन भी तुरंत होते नजर आते हैं। इसी ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का 20वां अधिवेशन हुआ ढाका में। ये साल था 1906। बंगाल का विभाजन सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने करवा दिया था, तो टूटे हुए बंगाल के पूर्वी हिस्से में, मतलब पूर्वी बंगाल में, बहुत बड़ा मुस्लिम समाज हुआ करता था, लेकिन ये था ब्रिटिश इंडिया में। तो ढाका नवाब ख्वाजा सलीमुल्ला के सौजन्य से ये 20वीं सभा रखी गई। ख्वाजा सलीमुल्ला ढाका के नवाब तो थे ही, तो राजनीतिज्ञ भी निश्चित ही थे, लेकिन उनके राजनीतिक जुनून का पता लगाना आज के लिए एक शोध का विषय होना चाहिए, क्योंकि यही वो पल था जब पाकिस्तान के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाना था। अब देखिए इस नक्शे को, जहां नवाब थे वहां तो नवाब अपने अपने इलाके में वहां की जनता को डरा धमका कर मुस्लिम राज्य बना देते, लेकिन जहां नवाबों की नहीं चलती थी वो जगह थी ब्रिटिश इंडिया, जहां की राजनीति में घुसने के लिए पार्टी का इस्तेमाल क्यों और कैसे किया जाए ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो सन 1906 के इस ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के 20वें अधिवेशन में बनाई गई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, मुस्लिम नेता राजनीति में तो थे ही, लेकिन कांग्रेस के जरिए, जिसमें हिंदू भी थे। वो हिंदू भले ही खुद को सेक्युलर मानते हों, लेकिन मुस्लिम नवाबों और राजनीतिज्ञों की नजर में वो उस समय भी हिंदू ही थे। हिंदू द्वेष इतना गहरा होने की वजह से केवल मुस्लिम सत्ता के लिए कुछ करना जरूरी था, जिसके लिए भारत में मुस्लिम सत्ता को फिर से जमाने के लिए बन गई मुस्लिम लीग। ये एजेंडा क्या था ये पिछली कड़ियों में हम देख चुके हैं, और इसी मुस्लिम लीग ने आगे चलकर पाकिस्तान भी बनाया। क्यों और कैसे ये हम आने वाली कड़ियों में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।